सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम गत क्लास में हमने डोला मारमुरा दूहा पढ़ा था। हमने मारवणी की वियोग जो व्यथा थी उस पर हमने चर्चा की थी कि पावस आएगी साहेबा बोलन लागिया मोर, तुम घर कंता आवे नहीं जो बन कितने जो, या यूं कहें कि पपैया तू चोर थारी चोंच कटवास्यू, पपैया तू चोर थारी चोंच कटवास्यू, राती दिने दौर मैं जाने की हुआ आयुष्यू। तो ये हमने पढ़ा था डोला मारो में। हमने इनकी जितनी भी दोहे थे उस पर हमने गहराई के साथ अध्ययन किया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रहीम। रहीम के आपने काफी दोहे पहले पढ़े होंगे, आपने याद होंगे आपके, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गई न उभरे मोती मानस सोन। तो ये रहीम जिसे हम सब बाकी काम जानते हैं रहीम जी को, और इनके आसान आसान अपने पाठ्यक्रम में इनके दोहे हैं, बिल्कुल आसान आसान है। जैसे अमर बेन बिन मूल की भक्ति पालक है ताही, नहमत ऐसे प्रभु को छोड़ ढूंढत किरे काही। तो जैसे जैसे अपने इनके दोहे आएंगे हम सह प्रसंग व्याख्या करते जाएंगे। फिर इनके जीवन परिचय के बारे में हम देखें, इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करें। तो देखें कि रहीम, इनका पूरा नाम, रहीम का पूरा नाम क्या बताया है, अब्दुल रहीम खान खनखाना। जन्म इनका बताया 1556 ईस्वी और देहांत होता है इनका 1604 ईस्वी। और फिर बताया कि अकबर के ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबारी कवि थे, उनमें से नवरत्नों में से एक रहे। और वहाँ पर जो आश्रय दत्तों में कवि रहते थे, केशवदास, गंग मंडल, नरहरी दास, आस्करण, कवियों ने रहीम की प्रशंसा की है, इनके काव्य की प्रशंसा की, रहीम के काव्य की। फिर देखो आगे कि रहीम बेराम खान के पुत्र थे, और बेराम खान कहाँ रहते थे, अकबर के दरबार में उनके ये पुत्र थे। रहीम जी अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। दोबारा सुनो, रहीम जी अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम जी की कुल रचनाएं 11 मानी जाती है। रहीम जी की कुल रचनाएं कितनी मानी जाती है, 11, जिसमें से आप देखो मुख्य रूप से कि नगर शोभा, याद करना एक बार अच्छी तरह से, नगर शोभा, बरबे नायिका भेद, नगर शोभा, बरबे नायिका भेद, श्रृंगार सौख्य और मदनाष्टक, ये इनकी रचनाएं पूछी जाएगी दो अंक में कि रहीम जी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखो। तो ये नाम यहाँ पे आपने लिख लेना, नगर शोभा, बरबे नायिका भेद, श्रृंगार सौख्य और मदनाष्टक। रहीम वर्ष और अवधि भाषा पर पूर्ण रूप से इनका अधिकार था, वर्ष और अवधि भाषा पर पूर्ण रूप से इनका अधिकार था। और देखें कि रहीम जी का जो जीवन था वो अच्छा व्यतीत नहीं हुआ, इनके जीवन में बड़े चढ़ाव उतार आए। जब ये 6 वर्ष के थे, जब ये सॉरी 5 वर्ष के थे, तब इनके पिताजी ये संसार छोड़कर चले गए। एक पिता का आश्रय इनके सिर से हट गया। देखो जब ये 5 वर्ष के थे तो इनका लालन पालन जहाँ अकबर के दरबार में हुआ इनका, तो ये हुआ। और ये बहुत पराक्रमी और बुद्धिमानी थे, रहीम जी बड़े पराक्रमी और क्या थे, बुद्धिमानी थे। इसलिए अकबर ने प्रसन्न होकर गुजरात पाटन की, गुजरात में इनको क्या दी, जागीर दी गई, गुजरात में इनकी जागीर दी। और इनको रहीम जब 5 वर्ष की उम्र में, सॉरी 5 वर्ष के थे रहीम जी, तब इनके पिताजी यहाँ से चल बसे, और 42 उम्र
42 साल की उम्र में आए तब इनकी पत्नी इनका साथ छोड़कर चली गई, यानी कि उनका भी देहांत हो जाता है, समझ सुधार जाती है और उसकी पुत्री विधवा हो गई। देखो परिवार में इनकी शांति नहीं रही, परिवार में तनाव उतार आते रहे और तीन पुत्र थे जो ऐसे में ही इस संसार छोड़कर चले गए। देखो तीन पुत्र भी ऐसे में संसार छोड़कर चले गए और सबसे बड़ी बात की इनके जो आश्रयदाता अकबर की मृत्यु भी रहीम के होते हुए हो गई। रहीम थे तभी अकबर की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सब कुछ उन्होंने शांत भाव से उन्होंने ये परेशानियां विपत्तियां सहन की। देखो 5 वर्ष की आयु में अपने पिता का चले जाना, 42 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी सड़क से धार जाना और इनके तीन पुत्र वो भी ऐसे में ही वो चले जाना, और फिर बताया कि इनकी एक बेटी थी उसके भी पति जब देहांत हो जाता है तो वो भी विधवा हो जाती है। कितने परेशानी होते हुए फिर भी काव्य सर्जना की और अपने हिंदी साहित्य में उच्च दर्जा पाया। तो ये जो केशव बताया कि केशव गंग मंडल नरहरि आस्मरण, ये कवि थे, इनकी कवियों ने रहीम की काव्य थी क्या की है, प्रशंसा की कि रहीम का काव्य उच्च कोटि का है और रहीम वर्ण और अवधि भाषा में पूर्ण रूप से इनका अधिकार था और सभी भाषाएं बताई जैसे अरबी बताई, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे क्या थे, ज्ञाता थे रहीम जी। फिर बताया रहीम जी की कुल रचनाएं पूछ ली जाए, कुल रचनाएं 11 है जिसमें से महत्वपूर्ण आपको बताया कि नगर शोभा, भरवे नायिका, भेद, श्रृंगार सौठा और मदमास्तक। रहीम बस और मैंने बताया कि अवधि भाषा पे क्या था, पूर्ण रूप से इनका अधिकार था और इनका पूरा नाम पूछ रहे तो अब्दुल रहीम खन खाना था और कहाँ रहते थे तो अकबर के दरबार में बैराम खान के पुत्र थे ये, और ये था इनका जीवन परिचय। जो एक बार आपने इनका जीवन परिचय अपने रजिस्टर में अंकित करें फिर चलते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी रचनाएं कौन कौन सी किस प्रकार से इनकी दोहे हैं, आसान आसान से अपने साथ साथ में बोल के लिखते जाएंगे, साथ साथ में अंकित करते जाएंगे। तो पहले एक बार आप अपने रजिस्टर में ही उतारे कि इनका जीवन परिचय के बारे में रहीम का, फिर चलते हैं आगे। तजी खोजत फिर ही काही, पहले अपने लिखे ये जो प्रथम दो है इस पे हम विचार करें क्या कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको याद है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन,
पानी गे ने उभरे मोती मानस तो। और अब इनके अपने पाठ्यक्रम में ये दोहा आया है, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही रहमन ऐसे प्रभु तजी ढूंढत थी खोजत तेरे काही। ईश्वर की सर्वव्यापकता कण कण में विराजमान ईश्वर को अन्य जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस पे रहीम जी बताते हैं कि ईश्वर कण कण में है, हर जगह विद्यमान है, उसको अन्य जगह पर ढूंढने की तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ घर में है, घर का आशय इस शरीर से है। कहते सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे परम बुलाई, सब कुछ अंदर ही है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। किसको? ईश्वर को। प्रभु को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से वो प्रतिपालना करता है सबकी, सब जीवों की देखभाल करता है, हमें भी हमारी भी देखभाल करता है वो प्रभु। किस प्रकार से पेड़ पौधों को भी जीवन दान देता है और जिसके जड़ भी नहीं है उसकी भी प्रतिपालना करता है। हर सृष्टि में प्राणी है, चाहे प्राणी सजीव है, उनके सब सजीव को क्या करता है वो प्रतिपालना करता है। कहते ना पेड़ पेड़ में पानी लगा गए आप करो करे खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगाता है प्रभु है जो ईश्वर है जो। इसी प्रकार यहाँ रहीम जी ने बताया है, बड़ा ही सुंदर बड़ा ही सही दुआ है। देखो अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, बिना जड़ की बेल को प्रतिपालना करने वाला प्रभु ईश्वर है। बिना मूल की जड़ कौन सी होती है? देखा होगा आपने, आपने पेड़ पौधों पे एक बेल देखी होगी जो पीले रंग की होती है। ज्यादातर ये बेरी का जो पेड़ होता है उस पे विराजमान होती है। आपने देखा होगा, आपने आसपास के क्षेत्र में नहीं देखा तो अपने मम्मी पापा से पूछना कि अमर बेल कैसी होती है। अमर बेल वो होती है जिसके जड़ नहीं होती और वो कहाँ रहती है? पेड़ के ऊपर ही, पत्तों का रस चूसती है, पेड़ का रस चूसती है, उसको सुखा देती है, वो होती है अमर बेल। उसकी जड़ नहीं होती, उसकी भी रक्षा कौन करता है? देखो बिना जड़ की बेल है, उसकी रक्षा करने वाला प्रभु है। देखो हर जीव की रक्षा करने वाला कौन है? प्रभु है। हमारी भी प्रतिपालना करने वाला कौन है? प्रभु है। वही बात यहाँ बताइए, बिना एक है जड़, सॉरी एक बेल का नाम है अमर बेल, और बिना मूल की बिना जड़ की प्रतिपालक उनकी रक्षा कौन करता है, पालन पोषण कौन करता है? ताही ईश्वर। फिर नीचे की पंक्ति में पूरा का पूरा अपने को समझा दिया, क्या समझा? देखो रहमन ऐसे प्रभु तजी, रहमन जी कहते हैं हमें ऐसे प्रभु को छोड़कर बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बिना जड़ के बेल है उसकी भी प्रतिपालना कर सकते हैं तो हमारी भी वो प्रतिपालना करेगा। देखो वो भी हमारी भी क्या करेगा? प्रतिपालना करेगा। इस प्रकार कहते हैं ना कि जो सभी सृष्टि है सब है उसकी प्रतिपालना कौन करता है? प्रभु करता है। कोट ब्रह्मंड का ठाकुर स्वामी, करोड़ ब्रह्मंड है उसकी प्रतिपालना कौन करता है? ईश्वर करता है। कोट ब्रह्मंड का ठाकुर स्वामी सकल ज्ञान का दाता है, वो सबकी प्रतिपालना करता है। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है बिना मूल की जड़ है उसकी प्रतिपालना कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। इसलिए हमें भी ऐसे ईश्वर को छोड़कर दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा था, सुनो गौर से, इससे हटके थोड़ा सा बताते हैं क्या लिखा तुलसीदास जी। कहते हैं घट में सुजत नाई नानक ऐसे जिद, तुलसिया संसार को भया मोतिया पे है घट में सुजत नाही नानक ऐसे जिद। कहते ईश्वर है घट के अंदर सुजता नहीं है तो तेरे पर लानत है। देखो तेरे पे क्या है? लानत है। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, सभी को मोतिया बिंद हो चुका है, आंखों पे क्या हो गया? मोतिया बंद हो गया, इसलिए वो ईश्वर क्या नहीं दिखाई नहीं देता। तो रेम जी यहाँ बताया है कि बिना मूल की जड़ की प्रतिपालना कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ऐसे ईश्वर को छोड़कर हमें दूसरे जगह जाकर ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वो घट घट में बैठा है, हर जगह कण कण में व्याप्त है,
जहाँ भी आप नजर डालो वहाँ पे क्या है, ईश्वर है, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों कहते हैं ना कि जगत जनायो जिनी सकल सो हरि जानो नाही, जो आखन सब देखी आखन देख नाही, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने सृष्टि को सर्जा है बनाया है। कहते जगत जनायो, जिसने जगत को बनाया, सो हरि जानो नाही, हमने इसको हरि माना ही नहीं, ईश्वर माना ही नहीं। कैसे कहते हैं कि जो आंखें सब देखी, आंखें सबको देखती है, सभी को अच्छे अच्छे पदार्थों को देखती है, अच्छे अच्छे प्राकृतिक चीजों को देखती है, आंखें सुंदर सुंदर रूप सौंदर्य देखती है, आंखें देखती है। तो कहते हैं जो आंखें सब देखी आंखें देखना है, लेकिन खुद की आंखें खुद को नहीं देख पाती। इसी प्रकार ईश्वर सबके घट के अंदर विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, उसकी सत्ता विराजमान है, लेकिन हम देख नहीं पाते। वही रहम जी यहाँ बताए हैं कि अमर वेद बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, अमर वेद है बिना जड़ की है, उसकी प्रतिपालना ईश्वर करता है। इसलिए हमें ऐसे प्रभु को छोड़कर बाहर दूसरी जगह ढूंढने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अमर वेद वैसे याद कर लेना, इस कोई प्रश्न आएगा कि रहम जी के दोहे नीति पर है, तो आप इसके दोहों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न जब आएगा 20 अंक का, उसमें हम साथ साथ में लिख लेंगे। थोड़ा सा बस याद ही करना, अमर वेद बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहम ऐसे प्रभु छोड़े ढूंढत फिरे काही। फिर आगे देखो दूसरा एक और है, पद आता है कि देखो आपने काहू काम किए, आपने काहू काम किए, आपने काहू काम के दार पाप फल फूल, दार पाप फल फूल और अनुभवत फिरे, और अनुभवत फिरे, रहीमन पे बबूल, रहीमन पेड़ बबूल। देखो रहीम जी ने पहले बताया कि अमर वेद बिन मूल की प्रतिपालक कहता ही, रहीमन ऐसे प्रभु को छाड़े ढूंढ फिरे काहे। फिर दूसरा बताया कि आपने कहो काम के दार पात फल फूल, औरण को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, कांटों से बड़ा होता है। अगर कांट पेड़ से कोई डाली टूट जाए, रास्ते में गिर जाए, तो हम चलते हैं, हमारे वो कांटा लगेगा और बड़ी चुभन होगी, बड़ा पीड़ा होगी, तो हम उससे दूरी बनाते ही चलते हैं। इसी प्रकार संसार में इस जगत में पांति पांति के लोग हैं, तुलसी या संसार में पांति पांति के लोग, हिल मिलकर सोचाली नदी नाव संजोग, भांति भांति के लोग है। कई बबूल की भांति भी है जो कड़वे वचन बोलते हैं, कोई पीड़ा पहुंचाता है, कोई मानसिक कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट देता है, बहुत से भांति भांति के यहाँ पे इंसान है। इसी प्रकार यहाँ बताया है कि बबूल के पेड़ के माध्यम से रहीम जी कहते हैं संसार में पांति पांति के लोग हैं, जो हमारे रास्ते में क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं, हमें अच्छे कार्य करने में क्या करते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। तो क्या बताया है, देखो आपने काहू काम के, आप तो कुछ काम के नहीं हो, और न आपकी डाली है, न पात है, पत्ते हैं, न फल लगते हैं, न फूल लगते हैं। बबूल के पेड़ देखा होगा आपने, न तो उस पे फल लगता है, न कोई अच्छे फूल लगते हैं, न उसके कोई लकड़ी अच्छी होती है, फर्नीचर बनाने के लिए काम नहीं आती। तो क्या कहते हैं, और को रोकती है, रस्ते में चलते हुए को क्या करती है, रोकती है। रोकती कैसी है, अगर डाले फूट के नीचे गिर जाए तो कांटा की चुंबन होती है, रहमन पेड़ बबूल। इसी प्रकार से पेड़ के माध्यम से, बबूल के पेड़ के माध्यम से हमें सचेत किया है, हमें सचेत रहने
के लिए कहा है कि ऐसे लोग भी हैं बबूल की भक्ति जो हमारे क्या करते हैं समाज में आए हैं जीवन। मैं श्री भी आपको बताता हूँ ये जीवन है बड़ा ही अनमोल है, भाग्यशाली है कि हमें ये प्राप्त हुआ है। कहते हैं लक्ष राशि धूम सुबाई मानस को दे बढ़ियाई इस पौड़ी ते जेनर चूके आई जाई दुख पाएंगा। कहते लाखों योनियों भुगतने के बाद में ये जन्म मिला है। ये एक ऐसी सीढ़ी है, सुनो ऐसी सीढ़ी जिस पे हम चढ़ते जाएंगे हमारा पैर फिसला तो ग्राम नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा जन्म मिला है, ऐसे जन्म में आके हम अगर मान लो ऐसा कार्य करें किसी के रिश्ते का क्या बने, बाधक बने, किसी को पीड़ा पहुंचाए, फिर तो फायदा नहीं है ना। तो यही रहीम जी बताया यहाँ पे कि यहाँ संसार में पालती पालती के लोग हैं, सज्जन भी है और दुर्जन भी है। सज्जन व्यक्तियों का दुर्जन व्यक्ति रास्ता रोकने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने का संकेत किया है पेड़ बबूल के माध्यम से कि बबूल का जो पेड़ है वो सबको रास्ते का बाधक बनता है। इसी प्रकार संसार में मनुष्य है बहुत से ऐसे है जो बबूल के पेड़ के समान है जो दूसरों का रास्ता रोकने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ऐसे से हमें सावधान रहना चाहिए। वो कहते हैं ना एक पंक्ति आती है बड़े ही महत्वपूर्ण पंक्ति सुनाता हूँ आप। पंक्ति आती है कौन सी कि अगर हमें तो क्या करना है किसी के गुणों को उठाना है, अवगुणों को छोड़ देना है। अवगुण को छोड़ देना, गुणों को उठाना है। कौन से गुण कहते ना अवगुण छोड़ गुणा को धाओ कर अवगुण मन पछताई जी। अवगुण को छोड़ दो, गुणा की तरफ दौड़ो। अगर आपसे अवगुण हो ही जाए तो मन में पश्चाताप करो कि मेरे से ये अवगुण हो गए, फिर देखो आपके चेहरे पे क्या चमक क्या एक तेज आएगा। कब जब ऐसा होगा कि हमें अवगुण को छोड़कर गुणों को धारण करना, अगर अवगुण हो ही जाए तो मन में क्या करना। तो देखो क्या बताया कि दूसरे को रिश्तों को रोकते नहीं किसी काम के हैं, ये बताया है यहाँ पे रहीम जी के अपने दो ही बड़े बेले पढ़ाएगी कि अमर बेल बिन मूल की पढ़ा आपने कहा वो काम की। तो आज हमने शुरुआत की है, कल फिर हम रहीम जी के दोहों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।